नमस्ते दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ व्रत में खाने वाली साबूदाना मखाना की खीर। ये काफ़ी स्वादिष्ट होती है दोस्तों और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। आप भी इसे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। आइए शुरू करते हैं अपनी खीर। दोस्तों, ये मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, बादाम, काजू, छोटी इलायची, किशमिश, केसर और चिरौंजी। ये सारे ड्राई फ्रूट्स हमने ले लिए हैं। चीनी ले लिए हैं, एक कटोरी मखाना ले लिए हैं दोस्तों, और ये साबूदाना को हमने एक घंटा पहले भिगा दिया था। मेरे साबूदाना देखिए अच्छे से भीग कर तैयार हो गए हैं। बनाने से पहले इसको एक घंटा पहले हमने भिगो दिया था। दोस्तों, मैंने पैन रख दिया है, इसमें एक चम्मच देसी घी डाल देंगे। देसी घी को पिघलने देंगे। दोस्तों, किसी भी व्रत में आप ये खीर बनाकर खा सकते हैं। मैंने ड्राई फ्रूट्स को डाल दिया है घी में और इनको लाल होने तक का भून लेंगे। धीमी आंच पे भूनेंगे। दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स हमारे भून गए हैं। अब हम इसी घी में अपने मखाना को डाल देंगे और इनको भी लाल होने तक का भून लेंगे। धीमी आंच पे ही भूनेंगे। दोस्तों, हमारे मखाना भूनकर तैयार हो गए हैं। मैंने पैन रख दिया है, इसमें एक चम्मच घी डाल दिए हैं और अपने भीगे हुए साबूदाना को डाल दिए हैं। इसमें कुछ सेकंड भून लेंगे। मैंने 2 लीटर दूध लिया है दोस्तों। अपने खीर में हमने दूध को डाल दिया है और इनको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। साबूदाना को दोस्तों धीमी आंच पे ही पकाएंगे और इनको चलाते रहेंगे। दोस्तों, मखाना को हमने क्रश कर लिया है और इनको अपने दूध में हम मिला देंगे। दोस्तों, इस तरीके से बनाकर देखिए, आपकी खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। इनको चलाते रहेंगे। यहाँ मैंने 2 चम्मच गर्म दूध लिया है और इसमें हमने केसर डाल दिया है, इससे खीर और भी अच्छी बनेगी। इसको मिला देंगे अच्छी तरीके से। दोस्तों, चीनी और छोटी इलायची को हम अब खीर में मिला देंगे। चीनी को हमने डाल दिया है। यहाँ लाल किए हुए ड्राई फ्रूट्स हमने डाल दिए हैं दोस्तों, और अच्छी तरीके से इनको हिला देंगे। दोस्तों, धीमी आंच पे ही हम अपनी खीर को पकाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे हमने केसर वाला दूध ऐड कर दिया है और इनको अच्छी तरीके से मिला देंगे। फ्रेंड्स, आप एक बार ये खीर बनाकर देखिए, ये स्वादिष्ट के साथ साथ काफ़ी हेल्दी होती है। आप इनको बनाकर ज़रूर ट्राई करें। खीर को हिला देंगे। देखिए दोस्तों, खीर में बॉयल आ गया है। साबूदाने हमारे पक के तैयार हो गए हैं। खीर हमारी बनकर दोस्तों तैयार हो गई है। आपको मेरा साबूदाना मखाना खीर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।